हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने जो है भी जियो भारत वी टू जो है 699 में खरीद चुका है, लेकिन उनके पास जो है पुराना वाला सिम है उसमें अगर 123 रुपीज़ करने के लिए जा रहा है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो है आपका जो पुराना वाला सिम है जो बड़े मोबाइल में है या फिर एंड्रॉयड मोबाइल में चलाते थे या फिर जियो फोन में जो पुराना वाला जियो फोन था उसमें चलाते थे, उसका सिम जो है अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका जो भी रिचार्ज है ठीक है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको क्या करना है ताकि आप लोग के ये जियो भारत फोन में वो सिम काम करे, बाकी इसमें जो क्या क्या फीचर्स है, बाकी ये फ़ोन कैसा है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। सो बिना टाइम का भाई आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग 699 में ये मोबाइल खरीदते हैं साथ ही साथ उसके साथ एक नया सिम कार्ड लेते हैं तो वो जो है तुरंत का तुरंत 123 रुपीज़ वो लोग डाल देते हैं और आपके मोबाइल में वो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर पहले से ही कोई पुराना सिम कार्ड है या फिर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी पुराना सिम चला रहे हो तो उस वो जो है अभी जो है इस फ़ोन में डालने के बाद तुरंत जो है काम नहीं करेगा, तो उसमें जो आप लोगों को क्या करना है वो जो है आप लोगों को 189 रुपीज़ या फिर 199 रुपीज़ ये वाला रिचार्ज आप लोगों को करना है। 189 वाला में जो है 2 GB डेटा मिलता है ओनली सिर्फ और सिर्फ और 28 दिन के लिए वैलिडिटी, और 199 में आप लोगों को 18 डेज के लिए वैलिडिटी मिलता है और 1.5 GB करके डेटा मिलता है। क्योंकि गाइस ये जो सिम कार्ड है इतना दिन तो बड़े मोबाइल में था तो वो जो है बड़े मोबाइल के हिसाब से वो चल रहा है, तो आप लोगों को एक महीने के लिए कम से कम एक महीने के लिए आप लोगों को जो है 189 रुपीज़ या फिर 199 रुपीज़ रिचार्ज करना ही होगा। उसके बाद अगले महीने में जब आप लोग रिचार्ज करने के लिए जाओगे तब जो है 123 रुपीज़ रिचार्ज कर लेना, आप लोगों का जो सिम है ये फ़ोन में वर्क करेगा। या फिर आप लोग पुराना वाला सिम है एंड्रॉयड मोबाइल का सिम है वो अगर रिचार्ज करने के लिए जा रहे हो तो आप लोग पेटीएम हो, फ़ोनपे हो या फिर गूगल पे हो, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन हो जहाँ से रिचार्ज होता है उस एप्लीकेशन से आप लोग अगर 123 रुपीज़ रिचार्ज कर सकते हो इस फोन में सिम कार्ड डालने के बाद भी जो है काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है जो मैंने पहले वाला प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप लोगों का जो है सिम कार्ड जो है इस फ़ोन में चालू हो जाएगा। बाकी इस फ़ोन में आप लोगों को जियो टीवी पहले से देखने को नहीं मिलता है, एक दो दिन अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करेंगे सिम कार्ड के साथ रिचार्ज के साथ तो जो है ऑटोमेटिकली वो अपडेट होके आपके जियो फोन में आ जाएगा। बाकी इसमें आप लोगों को जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो पे देखने को मिलता है, बाकी इसमें ब्लूटूथ हो ठीक है और फेसबुक भी कर सकते हो, जो कि पहला 2014 के पहले जो फेसबुक था वो वाला फेसबुक आप लोग चला सकते हो इस फ़ोन में, ब्राउज वगैरह थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग जियो टीवी में बहुत सारा फिल्म वगैरह हो या फिर लाइव टीवी कुछ हो, क्रिकेट हो, कार्टून हो, गाना म्यूज़िक हो सुन सकते हो, और लेकिन कुछ भी जो है इसमें कोई किसी पर भी जियो सेवन हो, जियो टीवी और जियो सिनेमा किसी पर भी जो है आप लोग सर्च करके कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन इसमें अभी एक उपाय दिया गया है जियो पे जो कि आप लोग बहुत ही मतलब UPI आप अभी जो है सभी लोग यूज़ करता है, तो ये फ़ोन नंबर जो है आप लोगों को बैंक आईडी से लिंक होना पड़ेगा तो आप लोग जाके आप लोग ये जियो पे यूज़ कर सकते हो। बाकी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है 699 में, अगर आप लोग लेना चाहते हो अच्छा है 699 में। बाकी इस प्राइस में आप लोगों को दूसरे कंपनी का मोबाइल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें अगर आप लोग रिचार्ज करने के लिए जाओगे 199 रिचार्ज करना होता है, लेकिन उसमें जो आप लोगों को नेट वगैरह नहीं मिलता है उसी के हिसाब से इसमें 123 रुपीज़ का अगर रिचार्ज करते हो आप लोगों को 28 दिन के लिए वैलिडिटी, साथ ही साथ आप लोग कुछ नेट वगैरह भी यूज़ कर पाओगे इस फ़ोन से। बाकी इसका जो प्राइस भी जो है 699 हो गया है। बाकी आप लोगों ने ये फ़ोन खरीदा कि नहीं खरीदा है नीचे कम करके जरूर बताना, बाकी आप लोग खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।